साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र और हम आ चुके हैं आज हमारे शक्करबट्टी के खेत पर, जो हमने इसको ड्रिप द्वारा बोया गया था। इसकी चौपाई की गई थी मजदूरों द्वारा, तो बहुत दिन हो गए थे। इसमें तो हल्की हल्की मोले मच्छर तथा कुछ बारीक बारीक इंसेक्ट की पैदावार खेत में ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उससे हमारे जो शक्करबट्टी है इसके फल पर असर हो रहा, मतलब फूल पर असर हो रहा था और पत्ते पर भी असर हो रहा था। तो आपको हम पत्ते पर असर बता देते हैं। इस प्रकार पत्ते पर असर था और वो हमारे फूल है, तो फूल आ चुके हैं, तो इस समय कुछ ज़्यादा ही असर रहेगा। जैसे कि इस पत्ते पर देख सकते हैं आप, ये तो इस पत्ते पर भी बहुत ज़्यादा असर है। तो हमें ये असर कम करने के लिए, मच्छर मोले से बचाने के लिए, हमने अभी 5 मिनट पहले ही ये येलो स्ट्रिप लगाई है। तो आप देख सकते हैं इस पर अब मोले मच्छर आकर चिपक जाएंगे। तो पहले आप देखिए, ये एक आके चिपक चुका है। अब इसने हम ऐसे हमने पूरे खेत में लगाई है, आप देख सकते हैं येलो येलो करके। तो किसान साथियों, इनको हमने इंसेक्ट से बचाने के लिए इसका उपयोग किया है। तो आप इंसेक्ट से बचाने के लिए एक और घरेलू उपयोग कर सकते हैं। एक लकड़ी को लेकर उसके ऊपर येलो कलर लगाकर उसके ऊपर ग्रीस लगा दीजिए। जो हमारे जेसीबी वगैरह वगैरह में जो ग्रीस नहीं होता, उस ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं। तो उससे मतलब ख़राब ग्रीस का जो बच जाता है, बेकार निकलता है, उस ग्रीस का आप उपयोग कर सकते हैं। तो उस पर आकर मच्छर भी चिपक जाएंगे। तो ये येल्लो वो होता है ऑर्गेनिक और ये थोड़ा केमिकल का है। ये केमिकल स्ट्रिप है, ये अभी से चिपक, अगर हम इसको हाथ भी लगाएंगे तो बहुत चिपकती है। ब्लू वाली भी आती है, वो वहाँ पर ब्लू वाली लगा रखी है, येल्लो भी है। किसान साथी, आपको हम पूरे खेत में बताएंगे। तो हमने इस एक जो लाइनिंग है पूरी, इसमें हमने 10 लगाई है। तो लगभग कितनी लाइनिंग है? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 लाइनिंग है। तो आप देख सकते हैं कितनी लगाई होगी। इसमें हमने 170 स्ट्रिप लगा दी है अभी तक, तो हमने हर एक में 10-10 लगाई है। तो किसान साथियों, कैसी लगी हमारी ये शक्करबट्टी की फसल, और आगे हम आपको इसकी फल और पैदावार सब बताते रहेंगे। तो धन्यवाद, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका अपना किसान मित्र, HP बना 605, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।